सो गाइस देखो, ये है बुद्धा टेम्पल। और ये देखो क्या भाई बढ़िया चीज है। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आज के और एक मजेदार व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। सो गाइस, जैसा कि हम लोग लास्ट व्लॉग में देखा होगा, हम लोग आए हुए हैं सिक्किम में गैंगटॉक में। और ये देखो फिलहाल कुछ इस तरीके का होटल रूम हम लोगों ने लिया है, जिसमें एसी भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, सॉरी बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है भाई। इधर गर्मी का तो भाई नामो निशानी नहीं है कहीं पे। तो भाई मैं लिटरली इतना ज़्यादा मतलब कांप रहा हूँ, अभी अभी जस्ट नहा के बाहर आया। और भाई फटाफट मैं आप लोगों को रूम का टूर दे देता हूँ। इधर है एक टीवी, ये है पूरा बेड जिसमें तीन लोग आराम से आ सकते हैं। मैं उधर नीचे सोता था, बाकी वो सब कुछ बैठने का सामान है। फिर थोड़े बहुत ड्रॉवर्स है, कपड़े। और ये देखो, ये है यहाँ की बालकनी। तो मैं भी चलता हूँ फटाफट नाश्ता करने के लिए, और सबसे पहले भाई बाल बना लेते हैं, और उसके बाद आगे की ट्रिप का आप लोग एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। सो गाइस देखो, ये रही हमारी होटल, होटल सिक्किम टूरिज्म। और इतनी बड़ी होटल है, और हमारा एकदम ही टॉप में है, थर्ड फ्लोर में। और देखो यहाँ पे पीछे एकदम पहाड़ी पहाड़ इलाका है भाई, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये रहा मेरा मौसी का लड़का, जो कि अपने अंकल के साथ बात करा है। और मेरे पापा और मेरे मौसा जी गए इस तरीके की टैक्सी बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग खुद के दम पर आए हैं। मतलब कोई भी अगर घूमने के लिए आता है ना, तो टूर में आता है, लेकिन हम लोग ऐसे टूर में नहीं आए स्पेसिफिक हमारी तरफ से। मतलब हम लोगों को अपने हिसाब से ऐसे करके होटल ढूंढनी है और बुक करनी है। और ये देखो, ये रहे यहाँ के बच्चे, जो कि फिलहाल तो अभी स्कूल जा रहे हैं शायद से एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन हमारी तो एग्ज़ाम कम्प्लीट, हम तो भाई आराम से अभी घूमने के लिए आए। और ये देखो, यहाँ का टूरिज्म ना बहुत ही बड़ा है। मतलब लगातार मैं जैसे जैसे देखता जा रहा हूँ, एक के बाद एक मतलब लगातार गाड़ियाँ ही निकले जा रही है। यहाँ पे सारे होटल्स भी बुक है। मतलब वेकेशन में कितने लोग मतलब घूमने के लिए आए, आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हो। सामने कितनी सारी होटल है, सभी बुक थी। ये मुश्किल से एक होटल मिली, इसमें भी सारे रूम अभी बुक हो चुके हैं। कितने सारे लोग आए मतलब कल रात को ही। देखो ये लगातार टैक्सियाँ निकलती जाती है लोग भर भर के। भाई कितने लोग मतलब घूमने के लिए आते हैं, अंदाजा भी नहीं था इतना ज़्यादा। और गैंगटॉक में हमारा स्पेशली 3 दिन रुकने का प्रोग्राम है। सो गाइस देखो, सामने का पहाड़ पे कितना बढ़िया व्यू है। मतलब सारे बादल बादल इधर ही है। मतलब आप लोग सोच सकते हो हम लोग कितनी ज़्यादा ऊंचाई पे है। और अभी फिलहाल ये टिप टॉप होटल पे आए हैं। मतलब ये ना हमारे स्पेशल गुजराती के होटल है, आपने देखा होगा। कल हम लोग इधर खाना खाने के लिए भी आए थे। सो ये ना यहाँ से फ्री में वाईफाई दे देंगे हमको। वैसे हमारी होटल का भी वाईफाई है फ्री, लेकिन वो बिगड़ा हुआ है। सो यहाँ से ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए वाईफाई, रिक्वेस्ट करते हैं तो दे देंगे। और अभी सुबह सुबह भाई व्लॉग भी अपलोड करना बाकी है, इसलिए जो कि 3 दिन पहले का व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा वही, क्योंकि मैं मतलब एडवांस में बैकअप लेके चल रहा हूँ व्लॉग का, क्योंकि आगे जब जाएंगे पहाड़ों के ऊपर वहाँ पे नेटवर्क मिले ना मिले, इसलिए। सो जैसे ही पापा गाड़ी लेके आते हैं, आगे का रास्ता कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस अभी हम लोग आए हैं हमारे फर्स्ट टूरिज्म पे, मतलब कि फर्स्ट टूरिज्म पे मतलब फर्स्ट लोकेशन पे। और देखो भाई कितनी मस्त जगह है भाई, बहुत ही खूबसूरत जगह है। सो गाइस देखो कितनी ब्यूटीफुल जगह है, और चैनल फिलहाल अपना फोटोग्राफ खिंचवाएगा। सो गाइस अभी हम लोग आसमानों की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हुए। सो गाइस देखो, ये है बुद्धा टेम्पल। और ये देखो क्या भाई बढ़िया चीज है इसे घूमने वाली। भाई देखो कितना मस्त मंदिर है। और ये देखो, ये पूरी मतलब चारों तरफ धर्मशाला किस टाइप मतलब कुछ लग रहा है। और इधर जाना मना है। और ये है पूरा मंदिर। और ये देखो, ये पूरे कांच के अंदर कितने सारे दिए जल रहे भाई, बहुत ही नेक्स्ट लेवल सीन है भाई ये तो। सो गाइज हमारा फर्स्ट साइड सीन यहाँ पे कम्प्लीट, अभी चलते हैं नेक्स्ट प्लेस पे। सो गाइज ये देखो, ये है टिबेटियन संस्कृति की बनी हुई ये पूरी लाइब्रेरी है। सो अभी फिलहाल इधर अंदर जाना है। एंट्री फीस इसकी 20 रुपीज़ है। पूरा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर जगह है, ऊपर देखो मतलब बादल बादल दिख रहे, कितनी ब्यूटीफुल प्लेस है। सो अंदर चल के पहले लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करते, शायद अंदर कैमरा ले जाना मना है, सो शूटिंग ना कर पाऊँ। अभी अंदर की तरफ प्रस्थान करते हैं। सो गाइज नीचे तो अलाउ नहीं था वीडियो वगैरह शूट करना, लेकिन यहाँ पे अलाउ है लाइब्रेरी का। ये है यहाँ के सभी पुराने ग्रंथ वगैरह, और नीचे ना पूरा म्यूजियम है। और वहाँ पे तो मतलब फोन स्विच ऑफ ही करवा दिया था इसलिए, लेकिन जो भी बोलो जगह बहुत ही बढ़िया है। पूरी मतलब तिबेटियन संस्कृति आप लोगों को जानने के लिए मिलती है। सो मेरे हिसाब से तो बस इतना ही था इधर तो। और ये यहाँ का रिसेप्शन, और बाकी नीचे जो म्यूजियम है वहाँ पे बिल्कुल फोटो अलाउ नहीं है, पूरा फ़ोन ही स्विच ऑफ करके रख लेते इसलिए अंदर भी नहीं कर पाया छुप के भी। सो गाइस यही है म्यूजियम, और यहाँ का पूरा एक्सप्लोरेशन ले लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्लेस पे।
सो गाइज अभी फिलहाल हम लोग आए हैं यहाँ पे सिक्किम के, पता नहीं ये कौन सा है, शायद से ये एनिमल प्लांट्स का कुछ है, पता चल गया गाइज ये है जू। सो अभी ये पूरा जू एक्सप्लोर करना है, वैसे यहाँ की काफी सारा संस्कृति के बारे में भी पता चलेगा। सो यहाँ से टिकट लेते हैं और फिर चलते हैं अंदर। सो गाइज यहाँ पे अंदर कोई एनिमल वगैरह तो है नहीं, बस ऐसे ही पेड़ पौधे, इसलिए सो यहाँ पे कैंसिल, अंदर जाना, बस बाहर से एक्सप्लोर कर लिया, अब चलते हैं नेक्स्ट प्लेस पे। सो गाइज यहाँ पे रास्ते में रुके फ्रूट्स लेने के लिए, सो दोपहर के खाने में थोड़े बहुत फ्रूट्स ही रखेंगे, हल्का फुल्का खाना, क्योंकि पूरा दिन गाड़ी में घूमना है इसलिए, और हम लोगों को जाना है ऊपर टॉप पे। सो गाइज फिलहाल अभी हम लोग है सिक्किम की सबसे ऊंची जगह पे, जिसका नाम है हनुमान टॉक, और ये सिक्किम की ना सबसे ऊंची जगह है, मतलब इससे ऊपर कोई पहाड़ी नहीं है, मतलब होगा लेकिन टूरिज्म के लिए सबसे ऊंचा पहाड़ यही है, और ये है हनुमान जी का मंदिर। और गाइज मेरे पीछे देखो पूरा, मतलब सामने ही बादल आप लोगों को दिख रहे होंगे, कैसे मतलब बादल जा रहे हैं, मतलब आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा ऊंचाई पे है। सो गाइज ये रहा मंदिर और ये दोनों मंदिर है, सो यहाँ पे पहले दर्शन कर लेते हैं, और बहुत ही मस्त, ये देखो पूरा ब्यूटीफुल प्लेस है, पूरा यहाँ से मतलब एक सिक्किम दिखता है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है भाई। तो गाइस यहाँ पे मंदिर में तो काफ़ी ज़्यादा घूम भी लिया और बहुत सारे फोटोग्राफ्स खींचवाए यहाँ पे, देखो का इतना मस्त मतलब नज़ारा है यहाँ पे, बहुत मस्त जगह है, और फिलहाल अभी आगे की तरफ निकलते हैं। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे फोटोशूट कर लिए और बहुत ही ज़्यादा लिटरली बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है। सो अभी नेक्स्ट प्लेस के लिए प्रस्थान करते हैं, क्योंकि वैसे भी 12 तो बज ही चुके हैं और खाना थोड़ा सा लेट खाएंगे। जय हनुमान जी, यहाँ पे मस्त दर्शन हो गए। सो अभी नेक्स्ट प्लेस के लिए चलते हैं, और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है गाइज, यहाँ पूरा सिक्किम ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, चाहे आप कोई सी भी जगह पे चले जाओ, बहुत ही मस्त जगह है हर चीज़। सो गाइज हमारा नेक्स्ट प्लेस है ये गणेश टॉक, और इधर है मेन जू। सो गाइज फिलहाल तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर मंदिर पे। सो गाइज फिलहाल तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा टॉप पे है, यही है गणेश जी का मंदिर, और हमको सामने दो ब्लॉगर और दिखे हमारी तरफ। सो ठीक है अभी तो हम लोग चलते हैं नीचे, अभी डायरेक्ट जू में चलते हैं, क्योंकि जू फिलहाल बंद हो जाएगा फिर, और बारिश आने का भी फुल चांसेस है, और गाइज हल्की हल्की बारिश भी चालू हो चुकी है, सो फोन का थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, और तो कोई दिक्कत नहीं है। और गाइज मेरे पीछे देखो गैंगटॉक रियली बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सो गाइज देखो ये है म्यूजियम, सॉरी, सो गाइज देखो ये है